एक जंगल में दो दोस्त है ना, एक मंदिर में बैठे बैठे गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं, और गप्पे मारते रह रहे थे, इतने में उधर से एक मुसाफिर भी निकलता है। वो मुसाफिर भी आता है और मुसाफिर भी बोलता है, यार मैं भी थक गया हूँ, तुम लोगों के पास बैठता हूँ। वो भी उनके साथ गप्पे मारना चालू कर देता है। आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, इतने में वो मुसाफिर बोलता है, यार मेरे को भूख लगी है। अच्छा, मेरे को भूख लगी है। तो वो पहला वाला बोलता है, यार मेरे पास तीन रोटी है। कितनी? तीन रोटी है। दूसरा वाला बोलता है, मेरे पास पांच रोटी है। तो अपने पास कुल मिला के हो गई आठ रोटी, पर अपने हैं तीन, अब इसको कैसे बांटा जाए। तो वो पहले वाला बोलता है, एक काम करते हैं, हर रोटी के तीन टुकड़े कर देते हैं, तो आठ रोटी के चौबीस टुकड़े हो जाएंगे, तो तीनों आठ आठ टुकड़े खा लेंगे, तो अपना काम सेट हो जाएगा। तो तीनों ने मिलकर आठ आठ टुकड़े मस्ती से खा लिए। तो वो पहला तीसरा वाला बोला, यार मेरे तो इतनी भूख लगी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। पर इतने में वो बादल था ना, तो बारिश चालू हो गई, और बारिश चालू हो गई, तीनों को रात को उधर ही सोना पड़ा। सुबह उठे तो वो जो मुसाफिर था ना, वो बोला, यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे रात को खाना खिलाया, मैं तृप्त हो गया, मैं आपको जाते जाते गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो उसने प्रेम पूर्वक है ना, तुम लोगों ने मुझे आठ रोटियां खिलाई है, आठ टुकड़े खिलाए, तो मैं आठ सोने की गिन्नी आपको दे रहा हूँ। कितनी? आठ। तो अब आप रखो, और मेरी रिक्वेस्ट है आप रखो। अब रख तो दिया, पर ये जो दोनों दोस्त थे ना, वो एक दूसरे को इतना चाहते थे कि जिसने पांच रोटी खाई थी ना, वो उसको बोलता है कि भले ही देख मैंने पांच, पर दोनों चार चार गिनियां लेंगे। वो जो तीन वाला था ना, वो बोला, नहीं मैंने तीन रोटी दी थी तो मैं तीन रखूंगा, तू पांच रख। अब दोनों दोस्तों की मामला, अब वो बहस होने लगी। वो बोलता है तू चार रख, और वो बोलता है तीन। अब उसमें हाल चल नहीं रहा था, तो आधा घंटा हो गया। तो फिर वो बोले कि एक काम करते हैं, अपने मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी के पास गए और पुजारी जी को बोला कि यार हमारा ये मसला है। तो पुजारी जी बोले, यार पहले देखे मैंने जो एक दूसरे को ज्यादा देने पे तुले हुए हैं, जनरली खींचता है, और ये आदमी तो बोला नहीं दे। अब पुजारी के भाई मन में ये कि जो तीन और पांच वाला आंकड़ा है ना, वो सही है, पर बोला मुझे रात को सोचने दो, मैं सोच के आपको सुबह बताता हूँ। तो रात को वो सोया, सोते सोते रात को गहरी निद्रा में वो भगवान को याद किया कि भगवान जो आपको समझ में आए वो आप फैसला करो। रात को एक बजे भगवान आए, और भगवान ने आके बोला कि एक काम करना तुम, कि जिसने तीन रोटी दिए ना उसको तो एक गिन्नी देना, और जिसने पांच रोटी दिए ना उसको सात गिन्नी देना। बोले भगवान ये कौन सा न्याय आपका, ये तीन पांच और चार चार वाला मामला था, नया क्या लाया एक और सात का। बोला ऐसा है कि देखो, अगले ने नौ टुकड़े किए अपनी रोटियों के, पर आठ वो उसके पेट में चले गए, उसका त्याग एक टुकड़े का ही है। और ये बंदे ने पांच रोटी खिलाई, उसमें पंद्रह टुकड़े हुए, तो इसने खाए आठ पर बचे सात, तो सात इसको दिया जाए। बोले ईश्वर का न्याय। तो जैसे वो सुबह उनको सुनाया, वो भी स्तब्ध रह गए। बोले ये जीवन है ना, आपको हमको लगता है कि इसके साथ इतना इतना अच्छा क्यों हो रहा है, उसने किसने कैसा त्याग किया है ईश्वर ही जानता है, आप और हम नहीं जानते। तो ये जो आप खूबसूरती देखते हो, ये जहां भी वैभव देखते हो ना, ये परमात्मा की कृपा है। वो देखता है कि किसका कितना त्याग है और कौन कितनी सेवा कर रहा है, उसके हिसाब से अपने को वरदान देता है। तो ईश्वर की, ईश्वर के जो निर्णय पे है ना, आप विश्वास कीजिए, ईश्वर ही आपका सबसे बड़ा इलाज है। अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।